हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आई हूँ। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं अपनी पैंट्री यूनिट का एक पार्ट क्लीन करूँगी और उसको ऑर्गेनाइज करके आपको बताऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट डाउन मत करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं जितना भी इसका सामान है मैं इनको निकाल के रख दूंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले कैबिनेट से। वन बाय वन मैं सारा सामान इसके अंदर निकाल के बाहर रख दूंगी। मैंने इसको पूरा निकाल के खाली कर दिया है। अब मैं इसका एक बार इसको वाइप करूंगी एक क्लॉथ से। ये मैंने एक क्लॉथ लेके इसको पूरा शेल्फ को मैं इसको क्लीन करूंगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोलीन स्प्रे करूंगी। ये आप देखेंगे मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैं जो मेरे कंटेनर्स हैं, वैसे तो जब भी मैं कोई सामान रीफिल करती हूँ तो मैं इनको धो के और सुखा के फिर सामान रीफिल करती हूँ। तो मैं इसको अंदर आज सामान निकाल के पूरा डीप क्लीन नहीं करूँगी। सिर्फ जो इसको ऊपर ऊपर के जो ढक्कन है, अगर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई होती है तो मैं इसको एक गीले कपड़े से वाइप कर दूँगी। ये सारे कंटेनर्स मैंने ऊपर से वाइप कर दिए हैं। अब मैं वन बाय वन इसको सारे अरेंज करूँगी। ये देखो मैंने आप फर्स्ट वाला जो कैब शेल्फ है वो मैंने पूरा क्लीन करके इसको ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब आती है सेकंड शेल्फ की बारी। अगेन इसमें भी सारा मैं अपना सारा सामान बाहर निकालूंगी। इसको भी मैंने पूरा खाली कर दिया है। अगेन मैं इसको पहले कपड़े से वाइप करूंगी क्योंकि ऊपर की जो भी सारी कचरा है, मिट्टी है, वो सारा। निकल जाएगा। अगेन फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोलीन को स्प्रे करूंगी। और फिर इसको वापस साफ कपड़े से वाइप कर दूंगी। देखो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अगेन मैं वापस सारे जितने भी इसके लिड्स हैं इसको एक बार साफ कपड़े से पोंछ दूंगी। तो वन बाय वन मैंने सारे इसको क्लीन कर दिए हैं। सो ऊपर की जो एक्स्ट्रा डस्ट वस्ट होती है वो मैंने इसको साफ कपड़े से पोंछ दिया है। अब अगेन हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले मेरी जो एक्स्ट्रा फॉइल्स है मैं इसको सबसे पीछे रखूंगी। उसके बाद वन बाय वन सारे ये कंटेनर्स रीअरेंज करूंगी। ये मैंने इसको पूरा रीअरेंज कर दिया है।
आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक जो यूनिट का एक पार्ट है वो पूरा क्लीन करके रीऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अगर आपकी अगर शेल्स जैसे ज़्यादा ही कुछ गंदी हो तो आप विनेगर और थोड़ा सोप लिक्विड डिश और थोड़ा पानी मिला के उसको आप क्लीन करेंगे तो एकदम अच्छा क्लीन हो जाएगा आपके। मेरी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी तो मैंने इसको कोलीन से इसको एक बार वाइप आउट कर दिया है। अब मैं इसका ये जो ड्रॉवर है फर्स्ट उसको मैं क्लीन करूँगी। इसमें भी मैं सारा अपना सामान जितना भी है बोल्स है कांच के वो निकाल के एक साइड में रख दूँगी। ये ड्रॉवर मैंने पूरा खाली कर दिया है, ये काफ़ी गंदा है आप दिखाओ अंदर काफ़ी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो मैं इसको अब क्लीन करूँगी। मैं इसमें थोड़ा कोलिंग डाल के अगेन इसको वाइप करूँगी। मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अब मैं जितने भी मेरे कांच के बोल्स हैं उसको मैं वापस रीऑर्गेनाइज करूँगी। इसको भी सारा मैंने रीऑर्गेनाइज करके रख दिया है। ये मैंने वॉश इसलिए किया क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही इसको वॉश करके रखा था तो आज सिर्फ मैंने इसकी जो कैबिनेट्स की अंदर की क्लीनिंग है वो क्लीन करके फिर इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया है। आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट था क्रॉकरी यूनिट क्लीनिंग का। अब मैं सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।